और बात करते हैं सरहद के उस पार की, क्योंकि एक बड़ी जानकारी है हमारे पास, वो आपको दे देते हैं। कहा जा रहा है कि पीओके के पीएम नियाज़ी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आपको याद होगा पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो पूर्व रहे इमरान खान, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन पीओके के अंदर ये कहा जाता है कि पीएम नियाज़ी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। प्रस्ताव पर पीटीआई के 25 सांसदों के हस्ताक्षर भी हुए हैं और विश्वास हासिल करने के लिए 27 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है। पीओके का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच शहबाज शरीफ देश के नए प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन इस बीच पाकिस्तान अधिकृत का जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर भी काफी हलचल तेज हो गई है। पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी ही पार्टी के सदस्य और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रधानमंत्री सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। बताया जा रहा है कि इमरान खान सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी से काफी नाराज हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान के कहने के बाद भी इस्तीफा देने से इनकार करने की खबरों के बीच अविश्वास प्रस्ताव को दाखिल किया गया है। बड़ी खबर आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जब पीटीआई ने अपनी ही पार्टी के सदस्य और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रधानमंत्री सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। मीडिया रिपोर्ट्स हों या फिर अन्य रिपोर्ट्स हों, ये बताती हैं कि इस प्रस्ताव पर पीटीआई के 25 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और इसे वित्त मंत्री माजिद खान और अकबर इब्राहिम ने विधानसभा सचिवालय को सौंपा है। इस पद के लिए सरदार तनवीर इलियास के नाम की सिफारिश भी कर दी गई है। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहा है, क्योंकि 53 सदस्यीय विधानसभा में नियाज़ी को क्षेत्र के प्रधानमंत्री के रूप में जारी रखने के लिए 27 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। और सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी को 2021 में पीटीआई ने चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने नामित किया था और नियाज़ी को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर विधानसभा के नेताओं की दौड़ में 33 वोट मिले थे, जबकि संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार चौधरी लतीफ अकबर को 15 वोट से संतोष करना पड़ा था। फिलहाल संजीव श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं, विदेश मामलों की जानकारी हैं। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पांच के पंच में आपका आभार, आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़े। पाकिस्तान के सियासत में हम देख रहे हैं कैसा घटनाक्रम चल रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन पीओके के प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और ये कहा जाता है कि पीटीआई अविश्वास प्रस्ताव लाई है, क्योंकि नियाज़ी को कहा गया था कि आप इस्तीफा दें, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया गया। जी देखिए हर्षित, वर्तमान समय में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए, इमरान खान की पार्टी है, उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। अभी केंद्र में उनकी सरकार इमरान खान ने गंवा दी और अब उनकी पार्टी के अंदर ही जो है गुटबाजी दिख रही है। और जिस तरह की अभी रिपोर्ट्स हैं कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसमें 25 जो ऐसे सांसद हैं जो कि पीटीआई पार्टी के ही हैं, तो ये जो वर्तमान समय में जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उसके अंदर भी अगर ऐसी ऐसी ही स्थिति रही तो इमरान खान जो ये कह रहे हैं कि वो जनता के बीच में जाएंगे और अपने अगले इलेक्शन में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, इन सारी घटनाओं की वजह से उनके जो एक अंतिम ऑप्शन, जो अंतिम विकल्प उनका जो जनता के बीच में जाने का है, उसके ऊपर भी उनको करारा झटका लग सकता है। और वर्तमान समय में स्पष्ट रूप से दिखता है कि इमरान खान के लिए कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण, जो कि मैं सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि अब उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के जो वास्तविक हुक्मरानों को नाराज कर लिया है, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के साथ उनके संबंध बेहद तनावग्रस्त हैं, अनेक तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि नियाज़ी और इमरान खान के बीच में और जनरल बाजवा के बीच में कुछ ऐसी अवसर भी आए, अवसर ऐसे पल आए कि जो कि खुशनुमा नहीं कहे जा सकते, बेहद तनाव वाले क्षण थे। तो इस तरीके की तमाम खबरें आ रही हैं, तो उससे स्पष्ट रूप से लगता है कि वर्तमान समय में इमरान खान के लिए मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ेंगी, उनकी पार्टी के अंदर भी फूट हो सकती है, उनकी पार्टी को कमजोर करने की भी साजिशें हो सकती हैं। इमरान खान ने जिस तरीके से पाकिस्तान के वास्तविक हुक्मरानों के साथ एक चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा कर दी है, ऐसे में आने वाले समय में एक राजनीतिज्ञ के रूप में भी और एक उनकी पार्टी के रूप में भी उनको जो है बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, हर जगह उनके विरुद्ध लामबंदी हो सकती है। अभी आप देखिए तो बिला भुट्टो ने ये घोषणा की थी और ये प्रयास भी किया था कि खैबर पख्तूनख्वा में भी और जो गिलगित बल्तिस्तान में भी उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए,
पंजाब में भी उनको घेरने की कोशिश चल रही है, उनकी पार्टी में अनेक तरीके की कवायदें चल रही है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि आने वाले समय में भी इमरान खान के लिए जो पाकिस्तान के अंदर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और उनका वो जनता के बीच में जाने का जो अंतिम विकल्प जो उनको ऐसा लगता है कि उनको बहुत उसमें सफलता मिलेगी, तो उसमें भी मुझे संदेह है कि वो कितने हद तक सफल हो पाएंगे। उनके ऊपर मुकदमे वगैरह भी डाले जा सकते हैं, उनको जेलों में डाला जा सकता है, वो विदेशों में जाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें रोका जा सकता है। तो अनेक तरीके की मुश्किलें मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन संजीव जी एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अनेक मुश्किल में इमरान खान साहब पड़ सकते हैं, और वाकई जो काम किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से वो लग रहा है कि आगे आने वाले समय उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन जब हम मरियम का जिक्र करते हैं, कल हमने देखा कि शहबाज शरीफ किस तरीके से जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो उसके बाद मरियम भावुक होती हुई नजर आई, और मरियम पहले ही कहती रही कि एक दिन इंसाफ जरूर होगा, पर क्या वाकई अब वो चीजें देखने को मिलेंगी कि इमरान खान की गिरफ्तारी होगी या फिर इमरान खान देश छोड़कर जाएंगे या इमरान खान पर ऐसे केसेस लगेंगे जो बदले की भावना को भी दर्शाएगा, जिस तरीके से हम मरियम के कई ऐसे बयानों को सुनते हैं जिससे लगता है कि इमरान खान पे की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। जी, मुझे लगता है कि इमरान खान पे बढ़ सकती हैं, और चूंकि इमरान खान के पास वो ज्यादा तनाव को न बढ़ाते हुए पाकिस्तान की आर्मी ISI जो उनसे पहले ही असंतुष्ट चल रही थी, उनसे कहीं ज्यादा तनाव न बढ़ाते हुए वो एक ग्रेसफुल एग्जिट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ग्रेसफुल एग्जिट करने का जो अवसर था उसको क्लियरली गंवा दिया, और उन्होंने पाकिस्तान की जो वास्तविक शासकों के साथ और अधिक तनाव पैदा कर लिया, और उसकी वजह से आने वाले समय में एक राजनीतिज्ञ के तौर पर भी, एक विपक्ष के नेता के तौर पर भी उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, और उनके ऊपर अनेक मुकदमे वगैरह भी दायर हो सकते हैं, और वो इस बात की भी कोशिश कर सकते हैं कि वो विदेशों की तरफ रुख कर लें। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि पाकिस्तान में अनेक राजनेता ऐसे रहे हों, चाहे सैनिक शासक भी रहे हो, जनरल मुशर्रफ की अगर बात कर लें तो उनको भी विदेशों का रुख करना पड़ा। नवाज शरीफ इस समय एग्जाइल में है, अब इस बात की संभावना दिखाई देती है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ देश में वापस आ सकते हैं, और वो जो है कि उनकी अपनी स्वयं की सरकार है, इसलिए मुझे लगता है कि अब उन वापस जल्दी आ सकते हैं वो। और इमरान खान की जहां तक बात है, उनके लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। इमरान खान की चुनौतियां अगर ज्यादा बढ़ेंगी, उनके ऊपर कोई गिरफ्तारी वगैरह का खतरा आएगा, और या उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो ऐसे में उनके भी कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द वो कहीं शांति प्रिय जो उनका एक जो भी शांति वाला स्थान के लिए मुफीद होगा, चाहे वो कोई भी स्थान हो विदेशों में, उसकी तरफ वो रुख कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के राजनीतिज्ञ के तौर पर भी, उनके लिए और उनके पार्टी के लिए भी, मैं कहूंगा उनकी जो राज्यों में सरकारें चल रही हैं उनके लिए भी मुश्किल वाला समय दिखाई देता है। बिल्कुल संजीव जी, लेकिन शहबाज शरीफ के लिए एक सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जल्द से जल्द बाजवा साहब के साथ उनकी मीटिंग होने जा रही है, और ये तो कहा जाता है पाकिस्तान के लिए कि चलती तो सेना की ही है, लेकिन कठपुतली के तौर पर कोई नेता रहता है, वो किसी भी नेता की मैं बात करूं, लेकिन शहबाज शरीफ का मैं जिक्र करता हूं, तो शहबाज शरीफ की रणनीति अब आगे की क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी, क्योंकि कश्मीर इशू पर तो पहले ही बोल चुके हैं जो वो PM बने भी नहीं थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री बन गए हैं, बाजवा के साथ कहा जा रहा है कि मीटिंग होगी, तो कैसे ही सिचुएशन पाकिस्तान की हम देखेंगे आगे आने वाले समय के लिए, पाकिस्तान में क्या रणनीति बना रहे हैं नए नवेले प्रधानमंत्री? देखिए, शहबाज शरीफ का प्रधानमंत्री पद पर काबिज होना और उनके ऊपर के उनके ऊपर उनके नाम पर जो सहमति बनी है, जाहिर है कि उसमें पाकिस्तान की जो वास्तविक शासकों की सहमति थी, पाकिस्तान के वास्तविक शासकों ने अपना अपनी तरफ से उनके लिए बिल्कुल ओके वाला जो है एक रुख अख्तियार किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, और तभी जाकर के विपक्ष भी सहमति बना पाया। पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक है वो परोक्ष रूप से कार्य करते हैं, वो निसंदेह जो पूरी जो कवायद चल रही थी, जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे थे, जो उठा पटक हो रही थी, रसा कसी हो रही थी, उसमें पाकिस्तान की आर्मी और ISI पूरी तरह से इन्वॉल्व थी, और वो पूरी प्रक्रिया पर नजर भी रख रही थी, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। आपको याद होगा आरसी जी की 2018 में जब इमरान खान सत्ता में आए थे, तो उस समय जो LIs वगैरह की व्यवस्था भी पाकिस्तान की आर्मी और ISI के द्वारा बैक चैनल से किया गया था, और अब इमरान खान का जिस तरीके से LIs ने उनका साथ छोड़ा और विपक्ष की तरफ वो जाके मिल गए, उसमें पाकिस्तान की जो आर्मी और ISI की जो भूमिका है उसको उसे इनकार नहीं किया जा सकता, वो पूरी भूमिका उन्होंने पर्दे के पीछे रह करके अवश्य निभाई होगी, और जो सरकार बनी है उसमें पाकिस्तान की आर्मी और ISI की सहमति है,
तभी जाकर के शहबाज शरीफ के नाम पर भी एक एकता हुई है। और अब जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि अब शहबाज शरीफ से जनरल बाजवा मिलने वाले हैं, तो ये स्पष्ट है कि ये जो आर्मी और ईसाई के द्वारा एक सपोर्टेड सरकार होगी और तभी कोई प्रधानमंत्री रह भी पाता है, पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई है। लेकिन जैसा कि मैं आपसे आपके शो में कहता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो एक अस्थिर सरकार होगी, कमजोर सरकार होगी, और उनका जो ताज है वो कांटों भरा ताज होगा। ठीक है, लेकिन वो जो क्या मुश्किल में पाकिस्तान पड़ गया है इमरान खान के उस बयान से जो अमेरिका को लेकर दिया गया, कि शहबाज शरीफ खुद ये कहते हुए नजर आए। क्या फिर मैं अगर बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल वाले दिन इसलिए हम कह सकते हैं कि इमरान का खुलेआम तौर पर जो अमेरिका का जो इमरान ने खुलेआम तौर पर नाम लिया है, उससे हम देखेंगे कि दूरियां पाकिस्तान की बढ़ेगी। और अमेरिका सुपर पावर देश है और आप खुले तौर पर अगर नाम ले रहे हैं तो वाकई आगे आने वाले समय में आपके लिए मुश्किल तो होगी। क्या हम देखें कि ऐसा हो सकता है संजीव जी? देखिए, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जो आर्मी और आईएसआई के संबंध बेहद अच्छे हैं, और अभी आपने देखा कि इस्लामाबाद सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से जनरल बाजवा ने अमेरिका के बारे में अपनी बातें रखी, अमेरिका की बहुत तारीफ की, अमेरिका के बारे में कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत मदद की है, वो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप उनकी बहुत गहरी है, और अनेक तरीके की बातें कही। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान खुलेआम अमेरिका के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो अमेरिका के साथ जो इमरान खान के जो संबंध खराब हुए, उससे इमरान खान को और उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन जहां तक शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका के साथ जो संबंध होंगे, या पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की जो अमेरिका के साथ संबंध है, वो एक बेहतर संबंध है, और मुझे लगता है कि वो संबंध बने रहेंगे। अमेरिका का पाकिस्तान में बड़ा इंटरवेंशन रहा है, आज भी है, और आने वाले समय में भी अमेरिका और पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट को बनाए रखेगा। संजीव जी, एक सवाल और ले रहा हूं। जब नियाजी का हम जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम की शुरुआत में, नियाजी का हमने जिक्र किया था, तो क्या वाकई हम देखेंगे कि नियाजी के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, नियाजी भी अपना बहुमत खो देंगे? क्योंकि नियाजी के संबंध बाजवा के साथ बेहद करीबी माना जाता है, हालांकि पहले जो संबंध थे वो इमरान खान के साथ बेहतर थे, लेकिन समय बदला और बाजवा के साथ इनके संबंध अच्छे बनाए जाते हैं, और कहा जा रहा है कि इसी वजह से इस्तीफा देने से मना कर रहे हैं, इसलिए मजबूरन पीटीआई को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। जी, ये देखिए हर्ष जी, अब मैंने जैसा कि मैं कह रहा था कि चूंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के वास्तविक शासकों के साथ जनरल बाजवा के साथ अपने संबंधों को उन्होंने बेहद तनावग्रस्त कर लिया है, ऐसे में आने वाले समय में उनकी प्रधानमंत्री पद तो उनका चला ही गया है, साथ ही साथ उनका जो चीफ मिनिस्टर जो राज्यों की सरकारें हैं अब वो भी खतरे में आ सकती है, जैसे कि जम्मू और जहां पे उनकी जो अपनी पार्टी है उसके अंदर भी तमाम तरीके की फूट हो सकती है। जाहिर है कि परोक्ष रूप से जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है वो इस बात की कोशिश करेगी कि पीटीआई को ही कमजोर कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान अब वो अपने इलेक्शंस के माध्यम से पाकिस्तान के वास्तविक शासकों को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो मासेस में जाएंगे, स्ट्रीट्स में जाएंगे और अपनी अपनी जो है पूरी ताकत दिखाएंगे और वो सत्ता में वापसी करेंगे, जो कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई नहीं चाहेगी। ऐसे में वो पीटीआई को ही कमजोर करने की कोशिश कर सकती है, और जाहिर है कि ऐसे में पीटीआई के अंदर फूट पड़ सकती है, पीटीआई के अंदर अनेक तरीके की चुनौतियां आ सकती हैं जो कि इमरान खान को कमजोर बनाने का कार्य कर सकती हैं। तो मैं ये स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हो या उनकी पार्टी पीटीआई हो, उनके लिए आने वाला समय बेहद चुनौतीपूर्ण है, बेहद अंधकारमय भी हो सकता है। लेकिन संजीव जी, एक तस्वीर के अनुसार मैं आपसे सवाल को लूंगा, आप कह रहे हैं कि मुश्किलों भरा दिन हो सकते हैं इमरान खान साहब के लिए, लेकिन आवाम कुछ और ही कह रही है। पाकिस्तान के आवाम का मैं जिक्र करता हूं, या फिर पाकिस्तान की जो आवाम लंदन के अंदर रह रही है या अन्य जगहों पर रह रहे हैं, वो इमरान खान के लिए कह रहे हैं कि इमरान खान को जो सत्ता से बेदखल कर दिया गया है, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि इमरान खान तो पाकिस्तान को संवारने का काम कर रहे थे, लेकिन एक भ्रष्ट नेता जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, नवाज शरीफ के बारे में वो कह रहे हैं, मरियम के बारे में वो कह रहे हैं, तो क्या आगे आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होगा तो इमरान खान को आवाम का साथ मिलते हुए नजर आएगा? हालांकि विपक्ष की पूरी रणनीति है कि आप जेल में डाल दीजिए और उनको मजबूर कर दीजिए कि वो देश छोड़कर चले जाएं, लेकिन लोकतंत्र में कहा जाता है कि जिसके साथ जनता है उसको कोई भी नकार नहीं सकता। देखिए, इमरान खान ये स्पष्ट है कि वर्तमान समय में विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके वो अपने आप को इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, वो अमेरिका का नाम ले रहे हैं, विपक्षी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ मिल गई है, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे लेकिन उनके विरुद्ध साजिश हुई, उन्हें काम करने नहीं दिया गया, उन्हें लगातार परेशान किया गया,
और इसकी वजह से वो विफल हुए, तो वो अपनी कमजोरियों के ऊपर, अपनी कमियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए वो तरह तरीके के बहानों की तलाश में है, और इसी वजह से वो अपने आप को इस तरह से पेश कर रहे हैं कि जैसे कि वो बहुत बड़े विक्टिम हो और उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। तो जो भी लोग इमरान खान, और देखिए लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि इमरान खान एक बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर रहे और अब वो राजनीति में है, राजनीति में भी उनकी एक अपील है, उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, वो सत्ता में भी रही, अन्य राज्यों में भी सत्ता में है, तो एक अपील तो है ही उस पार्टी की। लेकिन उस पार्टी को इलेक्शन में जब वो जाएंगे तो उसका कुछ लाभ भी उन्हें अवश्य मिलेगा, एक राजनीतिक के तौर पे वो बने रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सत्ता में वापसी की जो बात है, आखिरी सवाल आपसे लेता हूँ संजीव जी, क्योंकि कल की जो तस्वीर देखी थी हमने, प्रधानमंत्री भारत के देखे, पाकिस्तान के और बाइडन साहब को देखा, अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अपनी जो पॉलिसीज है, फॉरेन पॉलिसीज है, उसमें बदलाव लाना होगा, लेकिन ये आएगा कैसे फॉरेन पॉलिसी में बदलाव, क्योंकि चीन पर ज्यादा भरोसा, और पाकिस्तानी पत्रकार जब भी हमारे साथ बैठ रहे हैं कि कह रहे हैं कि चीन तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, जो भी चीन को कहा जाएगा चीन करेगा, लेकिन चीन जब भी कुछ करता है तो अपने फायदे के लिए करता है, दूसरे देशों पर इतना भरोसा, पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, या फॉरेन पॉलिसी अब किस तरीके की पाकिस्तान की होगी? देखिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कोई बड़ा चेंज आने जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो सरकार बनी है शहबाज शरीफ की जो सरकार है, ये अस्थिर सरकार है, कमजोर सरकार है, और कोई भी कमजोर सरकार, कोई भी अस्थिर सरकार जिसके पास ज्यादा समय भी नहीं है, वो कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा स्टेप फॉरेन पॉलिसी में नहीं उठा सकती। फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए, बड़े कदम उठाने के लिए, जो इमेज मेक ओवर की अगर बात आप करें, तो उसके लिए स्थिर सरकार चाहिए होती है, सशक्त सरकार चाहिए होती है, और वो सशक्त सरकार है नहीं। तो आने वाला समय पाकिस्तान में भारी राजनीतिक अस्थिरता का है, जो है राजनीतिक रस्साकसी होगी, जनता के बीच में पार्टियां उतरेंगी, तो ये कमजोर, ये सरकार जो है और कमजोर पड़ेगी, क्योंकि जो 11-12 दल हैं, सबके अपने अपने मैनिफेस्टो हैं, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो ये सरकार यदि 6 से 8 महीने भी चल जाए तो ये एक बहुत बड़ी सफलता वाली बात होगी, और ये सरकार जल्दी भी गिर सकती है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की विदेश नीति में वो कुछ कर पाएंगे। पाकिस्तान की आने वाले समय में जो विदेश नीति है वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई चलाएगी, और उसकी जो छाप है विदेश नीति में, जो एक चलाती तो आर्मी और आईएसआई ही है देखा जाए अंततः, तो विदेश नीति को भी, लेकिन उसकी जो छाप है वो अब ज्यादा गहरे तरीके से निर्णयों में दिखेगी, क्योंकि ये जो शहबाज शरीफ की जो सरकार है, एक कमजोर सरकार होगी, एक अस्थिर सरकार होगी, इसके पास ज्यादा समय भी नहीं है, तो अगले इलेक्शन तक जो पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहेगी, और ऐसे में मैं कोई विदेश नीति में कोई बड़ा परिवर्तन पाकिस्तान की में आते हुए नहीं देख रहा। ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, आभार सर, फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी और हम बातचीत जरूर करेंगे। फिलहाल संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार ये बता रहे थे कि किस तरीके से पीओके के अंदर जो अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है प्रधानमंत्री नियाज़ी के खिलाफ, थोड़ी देर में ये पता लग जाएगा कि नियाज़ी अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्या कुछ रहेगा, और पूरी नजर पीओके और पाकिस्तान पर हमारी बनी रहेगी। गुलिस्तान न्यूज़ हर खबर से आपको अपडेट करता रहेगा।